सेंट्रल सिटी रोड्स का सेफ हाउस, जहाँ पर गोल्ड पीटे जा रहा था बूमरैंग को, और वो उसे मारते हुए कह रहा था, तुम पागल हो गए हो, तुमने रिवर्स फ्लैश को आयरन हाइट से आजादी क्यों किया, क्या तुम सटिया गए हो। तब उसके वार से संभलते हुए बूमरैंग कहता है, मुझे पता है कि वो बैड गाय है, इसी वजह से तुम ये कह रहे हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, वो साइंटिफिक जीनियस है और हम भी क्रिमिनल के अलावा और कुछ नहीं है। तब गोल्ड उसे कहता है, नहीं, तुम इससे कहीं ज्यादा स्मार्टर हो बूमरैंग, और तुम सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं हो, तुम रोज हो, और हमें पता है कि हमें लाइफ कभी भी कुछ भी वापस नहीं देती, एक चांस तक नहीं, तो इसी वजह से हम ये बुरे काम करते हैं। तब बूमरैंग कहता है, हाँ तुम्हारा कहना सही है गोल्ड, लेकिन इस बार लाइफ ने हमें वापस दिया है और लैंटर्न ने मुझे कहा है कि डव की तरफ बूमरैंग फेंको। डव जो कि जॉर्ज टाउन में थी, जिसे रेडमैन ने फोन किया था और वो रिंग चार्ज होने के बारे में उसे बता रहा था। तब डव कहती है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम तक पहुंच रही हूँ, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। और तब हम देखते हैं कि डेडमैन अपस्टेट न्यूयॉर्क में था और कह रहा था कि रिंग अचानक से चार्ज होना शुरू हो गई, उसने पहले मुझे कहा कि लाइफ जीना सीखो, और जब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ निकला तो रिंग ने बातें करना बंद कर दिया और चार्जिंग होना शुरू हो गई, मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रेंज होने वाला है। और तभी हम देखते हैं मेरा लोरेन के पास आती है और यहाँ पर डेथस्ट्रॉम वो लैंटर्न लेकर किसी के पास जा चुका था, शायद एंटी मॉनिटर के पास, और यहाँ पर डेडमैन कह रहा था कि मैं फील कर सकता हूँ, मुझे ऐसा तब फील हुआ था जब मैं मरने वाला था, लेकिन अब पता नहीं कौन मरेगा। यहाँ ज़ेमरॉन में, जो कि स्टार सैफायर्स का होम वर्ल्ड है, अटैक शुरू था और हॉकमैन और हॉक गर्ल दोनों ही फेरिस और बाकी सभी स्टार सैफायर्स का साथ दे रहे थे। यहाँ पर क्वीन श्रेक, जो कि अब एंटिटी के साथ मर्ज हो चुकी थी, वो अपनी पावर्स के साथ सभी सैफायर्स को मार रही थी और हॉक गर्ल और हॉकमैन दोनों ही उसे पूछते है, तुम्हारा पेट ड्रैगन अब उसके साथ मर्ज हो चुका है। तब फेरिस कहती है कि एंटिटी करप्ट हो चुकी है होस्ट के जरिए, इसका एक ही इलाज है कि होस्ट को फील कराया जाए लव। लेकिन तब तक उस पर भी अटैक हो चुका था और वो एक क्रिस्टल में कैद होती है। तब हॉक गर्ल उसे पकड़ने के लिए जाती है और क्लॉ ऑफ हॉरस के साथ हॉकमैन अटैक करता है क्वीन श्रेक पर और कहता है, ये चैलेंज है कि तुम्हें कुछ भी फील कराओ, लेकिन तुम्हारी डॉटर ने कहा है तो करना पड़ेगा। और वो उसे मारते हुए कहता है, मुझे अभी भी शक है कि तुम्हारे उस डार्क आर्ट में कहीं पर लव होगा या नहीं। तब उस पर अटैक करते हुए क्वीन श्रेक कहती है, तुम लव के बारे में जानते ही क्या हो, तुम और मेरी डॉटर लव करते थे, लेकिन उसके साथ ही पेन आता है और तुम्हें अब उसे भुगतना पड़ेगा। और वो उसे मार रही थी, लेकिन तभी हॉकमैन कहता है कि मैं तुम्हारे कर्ज के लिए तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि इसी वजह से मुझे पेन सहने की आदत हो चुकी है। तब वो कहती है, लेकिन जब तुमने हाथ सेट को मार दिया तो कर्ज खत्म हो चुका है और अब ये तुम्हारी लास्ट लाइफ है। लेकिन तभी भी हॉकमैन उस पर हंस रहा था। तब वो कहती है, लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो। तब हॉकमैन कहता है, क्योंकि ये तुम्हारे भी लास्ट लाइफ है। और तभी हम देखते हैं कि हॉकमैन ने क्लॉ ऑफ हॉरस उसके पेट में काट दिया था और साथ ही साथ हॉक गर्ल पीछे से अपनी तलवार घुसाकर उस एंटिटी को उससे आजाद करती है और उसी के साथ एक लाइट चमकती है और उस गेट पर लगी सारी हड्डियां और सारी बॉडीज जाग उठती है और वो श्रेक को अपने अंदर खींचने लगती है। और यहाँ पर वो हॉकमैन और हॉक गर्ल से मदद मांगती है, लेकिन वो दोनों ही मदद करने से इनकार कर देते हैं। और अंदर जाते हुए उसकी माँ उसे कहती है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ये तुम्हारी आखिरी लाइफ है, कर्स खत्म हो चुका है, याद रखना ये तुम्हारी आखिरी लाइफ है। और इसी के साथ उनका विजन पूरा हो जाता है और उनको लाइफ रिटर्न की जाती है। यहाँ पर फेरिस उनके पास आती है और पूछती है कि आखिर ये हुआ कैसे। तब हॉकमैन कहता है कि ये क्लॉ ऑफ हॉरस के क्रिस्टल की वजह से हुआ होगा। तब फेरिस कहती है, नहीं, तुम दोनों में जो प्यार है ये उस वजह से हुआ, एंटिटी को लव फील हुआ और इसी वजह से तुम अब यहाँ पर हो। तब वो कहता है, लेकिन तुम्हारे हाल के बारे में क्या। तब वो कहती है, हम दोनों को पता है कि हम दोनों क्या कर रहे हैं और मैं ये एडमिट करती हूँ कि दोनों ही अपनी जगह पर खुश है। और वो उनसे कहती है कि मेरी रिंग तुम्हें
तुम्हारे मनचाहे वेन्यू पर ले जाएगी। सिर्फ सोचो और अर्थ पर तुम वहाँ पर होगे। और जैसे वो दोनों वहाँ से जाते हैं, वो हल जॉर्डन का एक होलोग्राम निकालकर देखने लगती है। यहाँ पर डब उड़ते हुए डेडमैन की तरफ आ रही थी और डेडमैन लगभग घबरा चुका था कि आखिर हो क्या रहा है। और वो कह रहा था कि जब ब्लैक लैंटर्न चार्ज हुई 100% तक, तब नेक्रॉन टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन अब वॉइड रिंग चार्ज हो रही है तो होने क्या वाला है। और जब पावर लेवल 100% होता है तभी रिंग कहती है वो आ चुके हैं। और जैसे ही डब उसे रोकने जाती है तब तक बॉस्टन वहां से निकल चुका था। स्टोनचेट म्यूजियम, जहाँ पर हॉक गर्ल और हॉकमैन दोनों ही टेलीपोर्ट हो चुके थे और वो दोनों अपना अधूरा काम पूरा कर रहे थे। और वहीं पर हॉकमैन अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए डेडमैन वहां पर आ जाता है और उन्हें देखकर वो दोनों ही उससे पूछते हैं, डेडमैन क्या सब कुछ ठीक है। तब वो कहता है मैं नहीं जानता। और हॉकमैन कहता है कि तुमने रिंग मेरी तरफ पॉइंट क्यों की है। तब वो कहता है मैं हिल नहीं पा रहा, रिंग सब कुछ अपने आप कर रही है। तब रिंग कहती है कार्टर हॉल और शायरा हॉल, तुम्हें अब लाइफ सेपरेटली जीनी होगी ताकि तुम लाइफ स्ट्रॉन्गली जी सको। तब वो दोनों ही गुस्सा होकर कहते हैं तुम कह क्या रहे हो। और इतना सब कुछ होने के बाद, ये सालों का कर्ज खत्म करने के बाद हम सेपरेट हो जाए। तब रिंग कहती है कि ये पार्ट है प्लान का, चैंपियन चूज करने से पहले सबको यही करना है। तब वो कहता है कि किसका प्लान, और हम वापस आए हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, ना कि किसी की बात मानने के लिए। और हॉकमैन उसे पकड़ने जाता है, लेकिन रिंग उन दोनों को ही मारने लगती है और वो दोनों ही मर जाते हैं। यहाँ पर डेडमैन देखता है कि वो अकेला हॉकमैन और हॉकगर्ल के उस राख के ऊपर खड़ा था, और स्टोनचेट म्यूजियम में अभी भी डेडमैन उन दोनों के राख पर ही खड़ा था और वो उन दोनों को देखकर रोए जा रहा था और रिंग से कह रहा था कि आखिर तुमने किया क्या, तुमने उनके साथ क्या किया, जल्द से जल्द उन्हें वापस लाओ। तब रिंग कहती है नहीं। तब वो रिंग को निकालते हुए कहता है तो फिर तुमने हॉक्स को वापस क्यों लाया, ताकि तुम उन्हें फिर से डिसइंटीग्रेट कर सको। तब वो रिंग उसे कहती है कि ये प्लान का पार्ट है। तब वो पूछता है कि कौन सा प्लान। तब रिंग कहती है प्लान जो कि अर्थ को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट टर्न होने से रोकेगी। और वो आगे कहती है जब नेक्रॉन ने हमला किया तब जो पॉइजन सेंचुरी से मैनकाइंड के खिलाफ भरा जा रहा था वो ट्रिगर हो गया और कंटेनमेंट फास्ट हो गया। इसी वजह से लाइफ वेब करप्ट होने लगी और करप्शन जाग चुका है। और जो मैंने फॉरेस्ट क्रिएट किया है वो अगर डार्क अवतार के हाथ लग जाए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि वही है इस सब की चाबी। यहाँ पर रिंग आगे कहती है कि जो 12 चुने गए थे उन्हें उनकी लाइफ उनका रोल प्ले करने के लिए दी गई थी। उनमें से कुछ को अपना काम पूरा करना था, कुछ ने ज्यादा वक्त लिया और कुछ लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन कुछ अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट थे जो कि मेरे पर्पज के लिए फिट बैठते थे, जैसे कि आर्थर करी, रोनाल्ड रेमंड, जॉन जोन्स, कार्टर और शायरा हॉल। ये यूनिक थे और इसी वजह से मैंने उन्हें जर्नी पे रख दिया जो कि उनके लाइफ को फिर से वापस ला सकती थी। हॉकमैन और हॉकगर्ल ऑलरेडी अपना काम पूरा कर चुके हैं अपने कर्स को डिस्ट्रॉय करके, और अब उनके लाइफ फोर्स को प्यूरिफाई होने की जरूरत है। तब डेडमैन कहता है तो वो जब जीना चाहते थे तब उन्हें मारा क्यों। तब रिंग कहती है ये जरूरी था क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स प्यूरिफाई होनी बाकी थी। तब रिंग आगे कहती है क्योंकि ये जरूरी है अर्थ के सबसे जरूरी काम के लिए, अर्थ की सोल बचाने के लिए। अगर फॉरेस्ट डार्क अवतार के हाथ लग गया तो न्यू चैंपियन होगा ही नहीं और अर्थ मर जाएगी, और अगर अर्थ मर गई तो बाकी सभी वैल्यूएबल फ्यूचर इवेंट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि अर्थ उन सभी को अलाउ करती है हैपन होने के लिए। तब वो आगे पूछता है तुमने मुझे बताया कि वो सब लोग वापस क्यों आए, लेकिन तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तब रिंग बताती है तुम लाइफ जी कर मुझे पावर सप्लाई कर सको, इसी वजह से तुम आए थे और तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है बॉस्टन ब्रांड। और तभी बॉस्टन ब्रांड वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और ना ही किसी और के पास चॉइस है। और तभी हम देखते हैं जैक्सन और एक्वामैन को जो मेरा के पीपल्स को रोकने के लिए एक तरफ बढ़ रहे थे और उनके साथ कुछ मरे हुए एनिमल्स थे, और उन्हें देखते हुए जैक्सन कहता है क्या वो मुझे खाएंगी। तब वो कहता है नहीं, अगर तुम उनसे तेज तैरोगे तो बिल्कुल भी नहीं। और वो आगे कहता है कि जब से वो वापस आया है तब से उसके पावर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो मरे हुओं को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ सी क्रिएचर्स को। यहाँ आगे जैक्सन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरा को माफ करोगे। तब वो उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तब वो अपनी वजह देते हुए कहता है
कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मारिया है और वो हमेशा दूसरे लड़कों के साथ घूमती है और सब काम मुझसे करवाती है। उसने मेरे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया जैसा कि मेरा ने किया है। तब एक्वामैन उसे कहता है कि हमें प्लान के मुताबिक काम करना है, फ्लोरिडा कोस्ट तक पहुंचना है, मेरा के पीपल्स पहुंचे उससे पहले और हमें उन्हें रोकना है। और आगे एक्वामैन कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किस वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ। तब वो कहता है कि मैं किसी वर्ल्ड से बिलोंग नहीं कर रहा, मैं बीच में फंसा हुआ हूँ और मेरा जॉब यही है कि लैंड और सी को एक दूसरे से बचा कर रखूं। और तभी उन दोनों पर हमला होता है और वो दोनों बाहर आकर गिरते हैं बीच पर। यहाँ पर एक्वामैन कहता है हमें देर हो गई और उसका कहना सही भी था कि सायरन वहाँ पर आ चुकी थी और वो उन सभी को मारने लगती है अपनी फौज के साथ। तब एक्वामैन और जैक्सन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें उन सभी को बरमुडा के ट्रायंगल में रोक के रखना होगा, लेकिन लगता है कि उन्हें किसी ने आजाद कर दिया है। तब जैक्सन पूछता है कि किसने, और तब हम दिखाया जाता है व्हाइट लैंटर्न यानी कि डेड मैन व्हाइट रिंग के साथ। यहाँ पर वो सभी लोगों को बचा रहे थे और साथ ही उन जेबेलियंस को भी मार रहे थे। यहाँ पर जैक्सन उन सभी पर भारी पड़ रहा था, ये देखते ही सायरन उस पर अटैक करती है और कहती है तुम्हारी पावर्स यूनिक है और तुम्हें हमारे साथ मिलकर इनके अगेंस्ट फाइट करनी है, क्योंकि सी में ही लाइफ पैदा हुई थी और ये सब हमारा है। जो ये कहते हैं कि ये उनका है, तुम भी और यहाँ के सारे सोर्सेज भी। लेकिन एक्वामैन उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारा कहना गलत है। तब सायरन उसे कहती है कि सारे ओशन के रिसोर्सेस उन्होंने ले लिए, तब भी तुम उनकी साइड ले रहे हो एक्वामैन। तब एक्वामैन कहता है नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। तब सायरन कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम अब अकेले हो। और उसे बहकाने के लिए सायरन कहती है कि मैंने पहले ही मेरा को मार दिया है, मैंने उसका गला काट दिया। वो कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो अपने ही खून में लथपथ पड़ी थी। हाँ, तुम्हारी क्वीन अब मर चुकी है। और इतना सुनते ही एक्वामैन गुस्से में अपना ट्राइडेंट उसकी तरफ मारने जाता है, लेकिन तभी एक्वामैन का हाथ काट देता है ब्लैक मांटा। और अपने कटे हाथ का अफसोस ना मनाते हुए वो नीचे बैठता है क्योंकि वो मेरा के मरने का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, इस वजह से वो गिल्टी फील कर रहा था। और तब उसके पीछे खड़ा होकर ब्लैक मांटा उससे पूछता है कि तुम अब करोगे क्या, रोओगे या फिर चिल्लाओगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स है तो भी मुझे कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।